कोट कोट प्रणाम। आदरणीय बंदनी गुरु प्यारी सात संगत जीओ, आप सब संगता बहुत ही बड़भागी हो कि आप सब संगता ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्मलीन गरीबां दे मसीहा परमात्मा स्वरूप सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी दे पावन पवित्र दरबार ते बैठ के सतगुरां दे दर्शन दे दारे करके अपना जीवन सफल कर रहे हो। यह सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी का पावन पित्र दरबार है, जिस स्थान ते सतगुरु स्वामी सरवनदास महाराज जी ने एक एक सवास ओ परमेश्वर ओ परमात्मा दे लेखे दे विच लाया, प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी बंदगी कीती ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाम जपण दा उपदेश बख्शिश कीता। जिहड़े संत महापुरश हुंदे ने ओह संसार दे विच आ के आप भी नाम जपदे ने ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दा नाम जपण दा उपदेश बख्शिश करदे ने। मेरे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी खंडा ब्रह्मंडा दे मालक गुरुआं दे गुरु जिन्हां ने संसार दे विच आ के केवल ते केवल उस परमेश्वर परमात्मा दे नाल ही सच्चा प्रेम और प्यार किया है ते मालक नूं ही एक एक सवास याद किया है, क्योंकि सतगुरु रविदास महाराज जी जो खुद परमेश्वर परमात्मा सन पर फिर भी उन्होंने संसार दे विच आके परमेश्वर परमात्मा की बंदगी की ते संसारी जीवां नूं प्रभु परमेश्वर परमात्मा का नाम जपण का उपदेश बख्शिश किया। सतगुरु रविदास महाराज जी जिन्हां ने उस अकाल पुरख परमेश्वर परमात्मा दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार किया है ते संसारी जीवां नूं भी प्रभु परमेश्वर परमात्मा दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार करन दा उपदेश बख्शे करदे ने, क्यों परमेश्वर और परमात्मा जो तन दौलत दा भुक्खा नहीं वो सिर्फ प्रेम और प्यार दा भुक्खा है। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। फिर जिन्होंने भी अंदरों मालक दे नाल सच्चा प्रेम और प्यार किया है उन्होंने उस मालक की प्राप्ति की है ते मालक की प्राप्ति किस तरह होंदी है, पहला जीव नूं पूर्ण संतां महापुरशां की शरण दे विच जाना पवेगा, पूर्ण गुरुआं की शरण दे विच जाना पवेगा। गुरु तो बिना सजीव आत्मा नूं ज्ञान नहीं हुंदा परमेश्वर और परमात्मा का। कुंभे बद्दा जल रहे जल बिन कुंभ ना होए, ज्ञान का बद्दा मन रहे गुर बिन ज्ञान ना होए। इस जीव दे अंदर ओ परमेश्वर ओ परमात्मा दे नाम रूपी भंडार ने, पर उन्हां दी प्राप्ति कदों हुंदी है जदों ये जीव पूर्ण संतां महापुरशां दी शरण दे विच जांदा है। पूर्ण संतां महापुरशां दे कोलों परमेश्वर ओ परमात्मा दे नाम नूं प्राप्त करदा है, क्योंकि जिहड़ा परमेश्वर परमात्मा दा नाम है केवल ते केवल पूर्ण संतां महापुरशां दे कोलों ही मिलता है। जिस बकर को लैन तू आया राम नाम संतन कर पाया, कि जिस वस्तु की प्राप्ति वास्ते ये जीव इस संसार दे विच आया है तो वह परमेश्वर और परमात्मा का नाम पूर्ण संतां महापुरशां दे कोल है। तो फिर जिहड़े जीव पूर्ण संतां महापुरशां दे कोलों परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी प्राप्ति करके उसका सिमरन करते ने ते फिर वह परमेश्वर और परमात्मा दी प्राप्ति कर लेंदे ने, पर अंदरों परमेश्वर और परमात्मा दे नाल जुड़ना है। जब तक असीं अंदरों मालक दे नाल नहीं जुड़ते ते जब तक सानू परमेश्वर और परमात्मा दी प्राप्ति नहीं हुंदी। परमात्मा का नाम जपण की जुगते सानू पूर्ण संत महापुरश दसते हैं कि भाई परमेश्वर परमात्मा का नाम किस तरह जपना है, किस तरह परमेश्वर परमात्मा मिलना है।
गुर की मूरत मन विखे तरो सो हरदम ध्यान, नाम दान इशनान कर द्वारे पावे मान। जो जीव पूर्ण संतां महापुरशां दे कोल जांदा है उसते जीव ते कृपा करदे ने संत महापुरश, जदों उसनूं परमात्मा दे नाम दी बख्शिश करदे ने ते उसदे नाल नाल संत महापुरश समझाउंदे ने कि भाई इन्हां दोनां अखां दे विचाले अपने गुरु दा ध्यान धरना है। गुर की मूरत मन विखे तरो सो हरदम ध्यान, ध्यान किसका धरना है? गुरु का। तो परमेश्वर परमात्मा के नाम नूं अपने हिरदे दे विच वसाउणा है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा ने इस जीव आत्मा के दस दरवाजे बनाए ने। जिहड़े नौ दरवाजे ने वह खुले ने, पर जिहड़ा दसवां द्वार है वह बंद है। नौ द्वारे प्रगट किए दसवां गुप्त रखाया। जिहड़ा दसवां द्वार है गुप्त है, वह परमेश्वर परमात्मा दे घर दा जिहड़ा द्वार है। तो संत महापुरश जीव आत्मा नूं इन्हां दोनां अखां दे विचाले ध्यान धरन नूं कहिंदे ने कि भाई इन्हां दोनां अखां दे विचाले गुरु दा ध्यान धरना है। गुरु की है? परमेश्वर है, परमात्मा है, वह खुद मालक ने। बाहर भी उही है ते अंदर भी गुरु है। जदों भी इस जीव आत्मा नूं दर्शन होने ने ते गुरु दे ही दर्शन अंदरों होने ने। इस करके महापुरश जीव आत्मा नूं समझाउंदे ने कि भाई हर वेले गुरु दा ध्यान धरना है, परमेश्वर परमात्मा दी बंदगी करनी है, सुहास सुहास नाम जपना है। जदों ये जीव आत्मा अंदरलियां मंजिलां नूं पार करके वह परमेश्वर परमात्मा तक पहुँचती है, तो फिर जदों इस जीव आत्मा नूं परमेश्वर परमात्मा का मिलाप हो जाता है, तो फिर ये जीव आत्मा उस परमेश्वर परमात्मा दे विच ही अभेद हो जाती है। इस जीव आत्मा अपना आप भुल जाती है। जिवें मेरे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे ने, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कि परमात्मा जी तेरे ते मेरे, मेरे ते तेरे विच की अंतर है? कोई अंतर नहीं। असी भी आप दा नाम जप के आप जी दे विच ही अभेद हो गए, आप जी दा ही रूप हो गए हाँ। इस करके भाई जे मालक नूं मिलना है तंदरो मालक दे नाल जुड़ना पवेगा, फिर ही असी मालक की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि गुरुआ ने तो एक सानू रस्ता दस्या है, मार्ग दस्या है कि भाई इस रस्ते ते इस मार्ग ते चलना है। जे वो परमेश्वर परमात्मा नूं मिलना है, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा किते बाहर नहीं, इस जीव दे अंदर है। पर इस जीव नूं ज्ञान नहीं, क्योंकि जीव आत्मा विषय विकारां दे विच फसी हुई है। अज्ञानता दे कारण इस जीव नूं ज्ञान नहीं, वह परमेश्वर परमात्मा कित्थे है। जदों ये जीव अपने हिरदे दे विच परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी जोत जगाउंदा है, नाम तेरे की जोत जगाई पैओ जियार पवन संसारे। पवन किसनूं कहा है? शरीर नूं कहा है। फिर जदों ये जीव अपने हिरदे दे अंदर वह परमेश्वर परमात्मा दे नाम दी जोत नूं जगाउंदा है, तां फिर इस जीव दे अंदर परमात्मा दे नाम रूपी प्रकाश हो जांदे ने। इस करके भाई परमेश्वर परमात्मा अंदर है, कितें बाहर नहीं। कई जीव परमेश्वर परमात्मा नूं पहाड़ां दे विच लभदे ने, जंगलां दे विच लभदे ने, नदियां दे विच लभदे ने, दरियावां दे विच लभदे ने, पर वह परमेश्वर परमात्मा इस जीव आत्मा दे अंदर है। मेरे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी समझा रहे ने, जीवा सो अहंकार जा पथन सो करकार, राम मिले कर आई के कह रविदास विचार। कि वह परमेश्वर परमात्मा कितने बाहर नहीं, अंदर ही है। तो महापुरशां नूं होर भी समझा रहे ने कि भाई अपने संसार के जिहड़े कमकार ने, धंधे ने, भी करने ने, तो परमेश्वर परमात्मा नूं याद भी करना है। अपने कमकार करते ही वह मालक नूं याद करना है। जदों भी वह मालक याद आ जाए तो मालक का नाम जपना है, सिमरन करना है। क्योंकि मालक नूं मिलन दी जिहड़ी जुगती ने वह पूर्ण संत महापुरशी दसते ने। सतगुरु रविदास महाराज जी ने
इस चीज को खत्म कर दिता है कि संत ही परमेश्वर ने कि जे संसारी जीवां के मन के भुलेखा ना रह जाए कि संत परमेश्वर ने। मेरे साहब सतगुरु रविदास महाराज जी ने इस भुलेखे को खत्म कर दिता है। रविदास भने जो जाने सो जान संत अनंत अंतर नाही। क्यों परमेश्वर परमात्मा का नाम जपण वाले पूर्ण संतां महापुरशां ते परमेश्वर परमात्मा दे विच कोई अंतर नहीं। संत ही परमेश्वर ने। किसी भी जीव के मन के भुलेखा ना रह जाए। जेड़े पूर्ण संत महापुरश हुंदे ने वह हमेशा ही मालक नूं याद करते ने। स्वास स्वास मालक की बंदगी करते ने। संत तो भाव शांति निम्रता त्याग। वो पूर्ण साधु महात्मा होंगे ने जिहड़े त्याग कर देंगे ने। निम्रता दे विच रहिंदे ने, शांति ही रखते ने हमेशा। वो शांत रहिंदे ने जिवें सतगुरु स्वामी निरंजन दास महाराज जी। वो हर वेले खुश रहिंदे ने, संगतां नूं भी प्रेम प्यार दे नाल बुलाउंदे ने। ये पूर्ण संतां महापुरशां दीआं निशानियां ने जिहड़े पूर्ण संत महापुरश हुंदे ने। इस करके भाई जिन्ना भी समा मिलता है परमेश्वर परमात्मा दे लेखे दे विच लाउणा है। ये संत महापुरश हमेशा ही शांति दे विच रहिंदे ने। जिवें एक उदाहरण है कि एक बार साधु महात्मा नदी दे किनारे तुरे जा रहे ने ते उन्होंने देखिया कि एक नदी दे विच कीड़ा डिग्गिया होया है ते संतां महापुरशां ने उसकी जान बचाउण लई उसनूं पानी तो बाहर कढ के रख दिता। वह जहरीले कीड़े ने संतां महापुरशां दे डंग मारिया ते वह फिर नदी दे विच डिग पिया ते फिर वह संतां महापुरशां ने उस कीड़े ने नदी तो बाहर कढ़िया फिर रख दिता फिर डंग मारिया। तीसरी बार फिर वह पानी दे विच डिग पिया फिर संतां महापुरशां ने उसनूं बाहर कढ़िया ते नदी के किनारे रख दिता ते उसने फिर संतां महापुरशां दे डंग मारिया। ते इसे तरह एक व्यक्ति कोल खड़ा देख रहा सी ते उह संतां महापुरशां दे कोल आया ते हथ जोड़ के बेनती करन लगा कि महाराज आप इस ते कृपा कर रहे हो, इसकी जान बचा रहे हो, पर आप ते डंग मार रहा है। ते संत महापुरश कहन लगे कि भाई एदा काम है डंग मारना ते साडा काम है पर उपकार करना, हर एक दी जान बचाउणा, ये साडा धर्म है ते असीं अपने धर्म नूं नहीं छड्ड सकदे। तेदा कर्म है कि इसने डंग मारना है ते डंग मारी जा रहा, साडा कर्म है भला करना ते असीं इस ते भला कर रहे हां। कबीर संत ना छोड़े संत ही कोटक मिले संत। संत महापुरश अपना कर्म और अपना मार्ग नहीं छड्डदे, चाहे कोई भी जीव उन्होंने खोटी तो खोटी मत वाला मिल जावे उसते भी पर उपकार करते ने। संत सरन जो जन परे सो जन उतरन। संत महापुरश इस जीव आत्मा का उद्धार कर सकते ने क्योंकि वह समर्थ ने। हुणे जीव पापां दे नाल भरिया होया है, गुनाहां दे नाल भरिया होया है ते अपने पाप क्षाउण वास्ते कित्थे आउंदा है? पूर्ण संतां महापुरशां दी शरण दे विच। उत्थे आ के अरदास बेनती करदा है कि महाराज मेरे ते कृपा करो, मेरा जीवन गुनाहां दे नाल भरिया होया है, पापां दे नाल भरिया होया है। ते फिर जदों संत महापुरश कृपा करदे ने नानक नदरी नदर निहार, जदों जीव ते अपनी सृष्टि मार देने ते फिर जीव दे सारे ही जिहड़े पाप ने गुनाह ने वो खत्म कर देंदे ने। साधु की जो ले होट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट, कह रविदास जो जपे नाम तिस जात ना जन्म ना जून काम। के भाई जिहड़ा भी जीव पूर्ण संतां महापुरशां दी शरण दे विच जांदा है
परमेश्वर परमात्मा की बंदगी करता है, पूर्ण संतां महापुरशां दे चरणों का ओट आसरा लैंदा है, तो उस जीव के एक नहीं हजारा नहीं लखा नहीं करोड़ा ही पापां का नाश हो जाता है, क्योंकि संत महापुरश परमेश्वर ने परमात्मा ने। फिर जिहड़ा जीव उन्हां तों परमात्मा के नाम की प्राप्ति करके उसका सिमरन करता है, तो फिर वह जीव जन्म मरण के गेट तो मुक्त हो जाता है। जिवें मेरे साहब सतगुरु स्वामी सरबनदास महाराज जी, उन्हां दी शरण दे विच जिहड़ा भी जीव आ जाता सी उस जीव नूं ही बख्श दिंदे सी, क्योंकि जीव संतां महापुरशां दी शरण दे विच पाप बख्शाउण ही आउंदे ने, क्योंकि जीव दा जीवन जिहड़ा गुनाहां दे नाल भरिया होया है। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते योगण हमारे, दया करो कश्मीर पाओ डुबदे पत्थर तारे। वो जिहड़े परमेश्वर परमात्मा दे प्यारे ने वह भी अपने जीवन नूं गुनाहां दे नाल भरिया दसदे ने, वह भी मालक दे अगे बेनती करदे ने कि महाराज साडा भी जीवन जिहड़ा गुनाहां दे नाल भरिया है। ये तो उन्हां दी इक निमरता है परमेश्वर परमात्मा दे अगे, पर वो तो खुद परमेश्वर ने पर संसारी जीवन नूं समझाउण वास्ते दसदे ने कि भाई मालक दे अगे किस तरह बेनती करनी है। इस करके भाई सानू मनुखा जीवन मिलिया है, जिन्ना भी समा मिलता है ज्यादा तो ज्यादा समा कढ़न की कोशिश करनी है कि असीं मालक नूं याद कर सकीए, परमेश्वर परमात्मा नूं याद कर सकीए, उसका सिमरन कर सकीए, क्योंकि परमेश्वर परमात्मा का नाम इस जीव आत्मा दे नाल जांदा है। बाकी जो ये रिश्तेदार ने सज्जन मित्र ने तिया पुत्र ने ये सारे संसार तक ही सीमित ने, जेकर नाल जाना है तो वह परमेश्वर परमात्मा का नाम प्रभु का नाम। इस करके संसार दे विच जिन्ने भी महापुरश आए ने उन्होंने सानू परमेश्वर परमात्मा के नाम की बंदगी करन दा ही उपदेश दिता है, सिमरन करन दा ही उपदेश दिता है। इस संसार के जिन्ने भी धार्मिक ग्रंथ ने पढ़ के देख लो उन्होंने नाम नू ही सब तो वड्डी महत्ता दिती है कि भाई परमेश्वर परमात्मा के नाम के नाल ही इस संसार के भव सागर नू पार करिया जा सकता है, तरिया जा सकता है। पर संतां महापुरशां की कृपा तो बिना इस संसार के भव सागर नू पार नहीं कर सकते। जिवें एक नदी नू पार करना होवे तो सानू बेड़ी का सहारा लेना पैंदा है, फिर ही असीं उस नदी नू पार कर सकते हाँ। जेकर इस संसार के भव सागर नू पार करना है तो सानू पूर्ण संतां महापुरशां के चरणों का ओट आसरा लेना पवेगा, उस दे जरिया ही असीं इस संसार के भव सागर नू पार कर सकते हाँ। इस करके भाई मनुखा जीवन बार बार नहीं मिलता, जेकर मिलिया है तो इस नू सिमरन करना है। भई प्राप्त मनुख दे हुरिया गोविंद मिलन की ए तेरी वरिया, वरकास तेरे किते ना काम, मिल साध संगत भज के बलना। पूर्ण संतां महापुरशां की संगत दे विच जाके ही परमेश्वर परमात्मा दे नाम की बंदगी करनी है, सिमरन करना है। गुर सेवा ते भगत कमाई तब बेमानस देही पाई, इस देही को सिमरे देव सो देही भज हर की सेव। देवी देवते भी मनुखे जीवन नूं तरसदे ने भाई, जेकर सानू मिलिया है अवतारा वाला ये जन्म तो इस नूं सफल करना है, परमेश्वर परमात्मा की बंदगी करनी है, स्वास स्वास मालक का नाम जपना है, तो फिर ही साडा इस संसार दे विच आउणा सफल है। महान पवित्र स्थान डेरा श्री 108 संत सरबनदास जी सचखंड बल्लां विखे विराजमान गुरु रूप गुरु प्यारी साध संगत जी, अज बहुत ही सुंदर समा आपां सारियां संगतां नूं प्राप्त होया। आपां सारियां संगतां सतगुरां दे दरबार विच पहुँच के सतगुरां दे दर्शन दीदार करके अपना जीवन सफल बना रहे हाँ। जगत गुरु सतगुर रविदास जी महाराज जिन्हां ने अपनी पावन पवित्र अमृत बाणी विच परमात्मा दे नाम दी भगति करन दा संतां महापुरशां दी संगत करन दा पावन उपदेश दिता। सतगुरु जी उचारण करदे ने नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन झूठे सगल पासार। सतगुरु जी उचारण करदे ने कि
परमात्मा के नाम तो बिना संसार के सारे पदार्थ झूठे ने। एक सच्चा केवल परमात्मा का नाम ही है जो इस जीव को भवसागर तो पार लगाता है। ये जो नाम है ये पूर्ण संतां महापुरशां कोलों प्राप्त होता है। जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज जिन्होंने 151 साल परमात्मा के नाम की भगति की और जीवां नूं भी परमात्मा के नाम के नाल जोड़िया। सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करते हैं, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि हे परमात्मा जी, मेरे विच तेरे विच और तेरे विच और मेरे विच कोई अंतर नहीं है। मैं आप जी की भगति करके आप जी का ही रूप हो गया हाँ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि मेरे विच और तेरे विच, तेरे विच और मेरे विच कोई अंतर नहीं है। जेकर अंतर है ता इतना का है, जिस प्रकार सोना हुंदा है सोने तो बने गहने हुंदे ने, जेकर गहनिया नू ढालिया जावे तो वह सोने का ही रूप हो जाता। एक नाम ही वखरा है, कनक कटक जल तरंग जैसा। जिस प्रकार समुद्र विच देखते हाँ लहरां उठदियां ने, नाम तो वखो वखरे हुंदे ने पर रूप इको ही हुंदा है, पानी ही हुंदा है। सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि मेरे विच तेरे विच, तेरे विच और मेरे विच कोई अंतर नहीं है। मैं आप जी की भगति करके आप जी का ही रूप हो गया हाँ। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। जो पै हमना पाप करंता, अहे अनंता पतित पावन नाम कैसे होता। सतगुरु जी अगलिया पंक्तियां विच उच्चारण करते हैं कि हे परमात्मा जी, जेकर संसारी जीव पाप ना करते तो आप जी का नाम पापा नूं निवृत्त करन वाला नहीं होता। पतित पावन नाम कैसे होता। जीवां नूं पावन करन लई आप जी दे नाम दी ही जरूरत है। आप जी दे नाम दे आप जी दा भजन सिमरन करन दी जरूरत है। मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर, एक दुख विनाश पंच दुख साध जामह ताकि के तक आस। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने बाकी जीवां दे विच तां एक एक गुण है, एक एक ऐब है, वह इन्हां ऐबां दे करके ही अपनी जीवन बतीत करते हैं, अपनी जीवन लीला समाप्त करते हैं। पर जो मनुख मनुख है उस दे विच पांच ऐब है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। कहिंदे बाकी जिहड़े जीव हन उन्हां विच तां इक ऐब आ, उन्हां ऐबां दे विच ही फस के अपना जीवन नष्ट कर लैंदे ने। पर जो मनुख है उस दे विच पांच ऐब है। इन्हां ऐबां नूं निवृत्त करन वाला एक परमात्मा का ही नाम है। जदों जीव परमात्मा का नाम जपदा है तो इन्हां ऐबां तो मुक्त हो जाता है। सो आओ गुरु प्यारी साहिब सिंह सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पित्र अमृत बाणी का शब्द, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा। सो कनक कटक जल तरंग जैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। तो ही मोही मोही करंता हे अनंता जो पे हम ना पाप करंता हे अनंता पतित पवन नाम कैसे हुंता।
अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। सुआओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास जी महाराज अपनी पावन पवित्र अमृत बाणी विच उचारण करते ने, साधु की जो लेह ओट तेरे मिट है पाप सब कोट कोट। कि जेड़े जीव संतां महापुरशां की संगत कर लेंदे ने, जेड़े जीव संतां महापुरशां की ओट लै लेंदे ने, उन्हां जीवां दे एक नहीं, दो नहीं, सौ नहीं, करोड़ां ही पापां दा नाश हो जांदा। कह रविदास जो जपै नाम तिस जात ना जन्म ना जून। जिहड़े जीव संतां महापुरशां कोलों नाम लै के परमात्मा दे नाम दी भगती करदे ने, परमात्मा दे नाम दा सिमरन करदे ने,
सतगुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करते हैं कि वह जीव जन्म मरण के चक्रां विचों मुक्त हो जाता है। आप मुक्त मुक्त करे संसार। संत महापुरश आप तो परमात्मा का नाम जप के तरे ही होंगे ने ते जीवां नूं भी इस भव सागर तो पार लगा देंगे ने। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, तूड़ संत के चरण की सोई श्रेष्ठ है गंग, पापा की मल उतरे चढ़े नाम कर। तूड़ संत के चरण की सतगुरु जी उच्चारण करते हैं कि संतां महापुरशां दे चरणां दी तूड़ी उस गंगा तो भी श्रेष्ठ है, उस गंगा तो भी पवित्र है। जदों संतां महापुरशां दे चरणां दी तूड़ी जीव दे मस्तक नूं लगदी है ते जीव दे जीवन विच जो कीते खोटे कर्मां दा नाश हुंदा है ते जीव दे जीवन विच परमात्मा दे नाम दा रंग चढ़दा है। जैसा रंग कुसुंबका तैसा ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठका कहो रविदास जमार। सतगुरु जी उच्चारण करदे जिस प्रकार कुसुंब दा रंग कच्चा हुंदा है, जदों एक वारी पानी पा दिता जावे उस उत्ते ते वह रंग उतर जाता है। जैसा रंग कुसुंब का तैसा ए संसार। सतगुरु जी कहिंदे जिस प्रकार कुसुंब दा रंग कच्चा हुंदा है, इस प्रकार ही जो संसार है, इस जो संसार दा मोह प्यार है, झूठा है, कच्चा है। जैसा रंग कुसुंब का तैसा ए संसार, मेरे रमैये रंग मजीठका। सतगुरु जी उच्चारण करदे कि उस परमात्मा दे नाम दा रंग ऐसा है, मेरे रमैये रंग मजीठका कहो रविदास चमार। सतगुरु जी उच्चारण करते ने कि उस परमात्मा दे नाम दा रंग ऐसा है, जो जीव दे अंतशकरण नूं एक बारी चढ़ जाता है तो मुड़ के उतरन वाला नहीं हुंदा। रंग रंगी करतारी, जो जीव दे मन विच अंतशकरण दे विच परमात्मा दा नाम दा रंग एक बारी चढ़ जाता है तो मुड़ के उतरदा नहीं है। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, सतगुरु रविदास महाराज जी उच्चारण करदे नाम देव कबीर तिलोचन सदना सहन तरै। सतगुर नामदेव जी, सतगुर तिलोचन जी, सतगुर कबीर जी, सतगुर सदना जी, सतगुर सैन जी, इन्हां महान महापुरशां दी उदाहरण दे के सतगुरु जी उच्चारण करदे इन्हां महापुरशां ने परमात्मा दे नाम दी भगती की। अज सारा संसार इन्हां महान महापुरशां दे गुण गाउंदा है, इन्हां महान महापुरशां नूं याद करदा है। क्यों याद करदा है? क्योंकि इन्हां महापुरशां ने परमात्मा दे नाम दी भगती कीती और जीवां नूं भी परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़िया, ताहियों इह सारा संसार इन्हां महान महापुरशां नूं याद करदा है। ऐसी लाल तुझ बिन कौन करै, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर तरै। सतगुरु जी उच्चारण करदे हैं वो परमात्मा गरीबां नूं निवाजण वाला है। उस परमात्मा दे जदों मेहर हुंदी है ते गरीबां देवी सिर ते सोने दे छतर चुल जांदे ने। गरीबां नूं भी वडियाई मिल जांदी है जदों उस परमात्मा उस अकाल पुरख दी मेहर हुंदी है। नीचे है ऊच करै मेरा गोबिंद काहू ते ना डरै। सतगुरु रविदास जी महाराज उच्चारण करदे कि वह परमात्मा नीचा तो ऊच करन वाला है, वह किसी तो डरदा नहीं है। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत, सतगुरु रविदास महाराज जी की पावन पित्र अमृत बाणी का शब्द आप सारिया संगतां ने नाल मिल के बोलने की कृपा कर। Yeah.
कौन करे, तुझ बिन कौन करे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, 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 काहू गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, गरीब निवाज गुसैया मेरा, माथे छतर करे जाकी छोत जगत को लागे, 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 ता पर तू ही डरे, पर तू ही डरे, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे ऊंच करे मेरा गोविंद, नीचे
सदनासन तरे सदनासन तरे नीचे उच्च करे मेरा गोविंद नीचे उच्च करे मेरा गोविंद काहू जय ऊच करे मेरा गोविंद काहू ते न डरे जाकी छोत जगत को लागे तां पर तू ही डरे। सतगुरु जी उच्चारण करदे ने के जिन्हा दी छो लगन दे नाल ही संसार पिटिया जांदा सी अज आप जी ने उन्हां ते ऐसी कृपा कीती है उन्हां नू नीचों तू ऊच बना दिता है। गुरु प्यारी साध संगत जी जदों जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज जी का इस संसार दे विच आगमन होया उस वेले साढ़े समाज की दशा इदा दी सी सानू नाम जपन नहीं दिता जांदा हीगा मंदरां दे विच नहीं जान दिता जांदा सीगा। उस वेले परमात्मा सतगुरु रविदास महाराज जी दे रूप विच इस संसार विच आए। संत करमदास जी जिन्हां ने सतगुरु रविदास महाराज जी के आगमन ते एक दोहा लिखिया कि जदों 1433 की माघ सुदी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। गुरु प्यारी साध संगत जी आप सारिया संगतां ने सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान दे दर्शन दीदारता कीते उस अस्थान दे मेन गेट दे उपर ए दोहा ए लिखिया गया है 1433 की माघ सुदी पंदरास दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास। सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्म 1433 ईस्वी 1433 बिक्रमी संमत 1377 ईस्वी नूं पिता संतोखदास जी माता कलसा देवी जी दे ग्रह विखे होया। उस स्थान नूं
600 साल बाद सदियां बीत गई, किसी ने उस स्थान की खोज नहीं की सी, सानू किसी ने उस स्थान बारे दसिया ही नहीं सी, पर तन हन डेरा सन सरवण दा सचखंड बल्लां दे महान महापुरश जिन्हां ने साडी कौम ते ऐसा परोपकार किया है, सानू जो इहो अस्थान की खोज करके उस अस्थान दे उत्ते आलीशान मंदिर बना के साडे सारे संगतां नूं उस अस्थान दे दर्शन दीदारे करा दिते, जिस अस्थान दे उत्ते सतगुर रविदास महाराज जी ने जन्म लिया सी। डेरा श्री 108 संत सरवण दास जी सचखंड बल्लां दे महान महापुरश धन धन सतगुरु बाबा पिपलदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी हरिदास जी महाराज, धन धन सतगुरु स्वामी गरीबदास जी महाराज, गुरगद्दी ते विराजमान धन धन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज ते रविदासिया कौम दे महान अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज, जिन्हां ने स्वास स्वास परमात्मा दे नाम की भगती की, स्वास स्वास परमात्मा दे नाम दे नाल संगतां नूं जोड़िया, और अज असी देख रहे हां धन धन सतगुरु स्वामी निरंजन दास जी महाराज जीवा ते कृपा करदे ने, जीवा नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़दे ने। धन धन सतगुरु बाबा पिपलदास जी महाराज गिलपत्ती बठिंडे तो चल के धन धन सतगुरु स्वामी सरवण दास जी महाराज 5 साल की उम्र के महाराज जी सन, तो महाराज जी नूं नाल लैके बठिंडे तो चल के वख वख पिंडां दे विचों हुंदे होए जदों इस स्थान ते पहुँचे, इस पिंड विच पहुँचे तो पिंड वालियां ने बहुत प्रेम किया, तो महाराज जी फिर अगे नूं चल गए, अगे पिंडां दे विच यात्रा ते जा रहे हैं, तो महाराज स्वामी सरवण दास जी महाराज जिन्हां दी उम्र 5 साल दी सी, ते महाराज जी थोड़ा बीमार हो गए। महाराज जी अपने पिता जी नूं कहण लगे, बाबा पिपलदास जी नूं, कहिंदे महाराज जी कि मैं डेकां वाले पिंड जाना है। महाराज जी बचपन च सी ते महाराज जी नूं पिंड दा नाम तां नहीं पता सी, पर महाराज जी नूं इह याद सी कि उस पिंड विच डेकां बहुत ने। बाबा पिपलदास जी नूं भी याद भुल गया कि किहड़े पिंड दे विच डेकां ज़्यादा सी, ते महाराज जी ने निर्णा किया कि जिस तरह असीं आए हाँ इस तरह ही वापस पिंडां तों हुंदे होए वापस चलते हाँ, जिथे डेकां वाला पिंड आजूगा तो बालक दस दूगा। जदों महाराज जी वापस आउंदे ते जदों पिंड बल्लां दे विच पहुंचे ते महाराज जी स्वामी सरवण दास जी महाराज खेड़ उठे ते अपने बच्चे खेड़ रहे थे ते उन्हां दे विच जा के खेडन लग पे, तो बाबा जी नूं कहण लगे, कहिंदे बाबा जी पिता जी हुण असीं किते नहीं जाणा, असीं इस पिंड दे विच ही रहना है, कि डेकां वाला पिंड आ गया है, आपां हुण इस पिंड दे विच रहना है। महाराज स्वामी सतगुरु बाबा पिपलदास जी महाराज जी खुश हो गए, कहिंदे कि डेकां वाले पिंड आपां आ गए हाँ, चलो आपां हुण इत्थे ही रहांगे। पिंड वालियां ने बाबा पिपलदास महाराज जी का पहला नाम श्री हरनाम दास जी सी। पिंड विच एक पिपल सी, सुका पिपल सीगा, ते पिंड वालियां ने महाराज जी अगे अरदास की, कहिंदे महाराज जी ये पिपल हरा पिपल सुका है, इसनू हरा कर दिओ, आप जी कृपा करो, आप संत महापुरश हो, परमात्मा दे नाम की भगती कर दिओ, इस पिपल नू हरा कर दिओ। ते महाराज बाबा पिपलदास जी ने परमात्मा दे नाम दी भगती करनी ते उस पिपल दे विच पानी पाउणा, 40 दिनां बाद वो पिपल हरा होण लग पिया, ते महाराज स्वामी बाबा पिपलदास जी दा नाम उस वेले बाबा पिपलदास जी पिया, पहला नाम संत महाराज जी दा श्री हरनाम दास जी सी। महाराज स्वामी सरवण दास जी महाराज जिन्हां ने स्वास स्वास परमात्मा दे नाम दी भगती की, महाराज स्वामी निरंजन दास जी महाराज जी कोल जदों बैठे हुई है, तो महाराज जी वचन करिया करदे हन कि स्वामी सरवण दास जी महाराज अठों पहर परमात्मा दा नाम जपदे सन, ते दो टाइम एक टाइम
लंगर छकते सन। सारी सारी रात महाराज स्वामी सरवणदास जी महाराज बैठे रहते सन। महाराज स्वामी सरवणदास जी महाराज इस स्थान पर जिस स्थान के उत्ते असी बैठे हाँ आप सारिया संतां नमस्कार करते हैं। इस स्थान के उत्ते जंगल होया करता सी। महाराज जी दसदे सन कहिंदे इत्थे रात की तो दूर की गल कोई दिन नूं भी नहीं आउंदा सी। टिब्बे हुंदे ही गे जंगल हुंदा सी कोई आउंदा नहीं सी। महाराज स्वामी सरवणदास जी महाराज इस स्थान के उत्ते आके परमात्मा के नाम की भगती करिया करते सन। जंगलों विच मंगल ला देंदे जिथे वासा होवे संतां दा रब नूं भी मनना पै जांदा कीता अरदासा संतां दा। जड़ा पुट के जहान विचो रख देंदे जो करे तमाशा संतां दा। संत महापुरश जो भी बचन करदे ने ओह परमात्मा नूं भी मनने पै जांदे ने। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी सारियां संगतां ने दासियां नाल मिलके बोलन दी कृपा करो। संतां दे हुंदे पागां नाल दर्शन संतां दे संतां दे हुंदे पागां नाल दर्शन संतां दे सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर सर दीन दयाल न तुम सर सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर हम सर दीन दयाल न तुम सर सर दीन नाल दर्शन संतां दे
मानै बचनी तोर मोर मन 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 मानै जन को पूरन दीजै दर्शन बल जाओ रमैया कारने हो बल 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 बल जाओ रमैया कारने कारन कवने बोल दर्शन पाका नाल दर्शन संतां दे जन्म बिछड़े थे माधो बहुत 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 जन्म बिछड़े थे माधो जन्म बिछड़े थे माधो एहो जन्म तुम्हारे लेखे एहो जन्म तुम्हारे लेखे एहो जन्म तुम्हारे दास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो रविदास आस लग जीवो रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो कह रविदास आस लग जीवो रविदास आस लग जीवो चिर पयो दर्शन देखे दर्शन संतां दे संतां दे हुंदे पागां नाल दर्शन संतां दे ਦਰਸ਼ਨ ਸੰਤਾਂ ਦੇ।
छंदे पागा नाल दर्शन संतां पाग हुआ गुर संत मिलाया प्रभ अवनासी कर मह पाया। गुरबाणी का फरमान है जदों वड्डे पाग होण ते संतां महापुरशां दे दर्शन दीदारे हुंदे ने। पाग हुआ गुर संत मिलाया जदों संतां महापुरशां दे शरण दे विच जीव आ जांदा है संत महापुरश उसनूं परमात्मा दे नाम दी मिलण दी जुगती नाम दिंदे ने। पाग हुआ गुर संत मिलाया जदों उस परमात्मा की कृपा हुंदी है ते उदों ही जीव संतां महापुरशां दे दर्शन दीदारे करदा है संतां महापुरशां दे नाल जीव दा मेल मिलाप हुंदा है। प्रभ अवनासी कर मह पाया जदों संतां महापुरशां दे लड़ लग गए चरणा दे विच आ के बह गए संतां महापुरशां कोलों नाम लै के परमात्मा दे नाम की भगती की ते अपने अंदर ही उस परमात्मा दे दर्शन दीदारे हो जाते ने। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए बलिहारी गुरे अपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। कहिंदे एक पासे गुरु खड़े ने ते एक पासे परमात्मा खड़े ने। मन विच सवाल आ गया कि कहिंदे पहला किस दे चरणा विच नमस्कार करा। गुरु गोबिंद दो खड़े काके लागू पाए मन विच सवाल आ गया कि पहलो गुरु दे चरणा विच मत्था टेकीए जा पहलो परमात्मा दे चरणा विच मत्था टेकीए। बलिहारी गुर अपने जिन गोबिंद दियो मिलाए। फिर मन विच आया कहिंदे परमात्मा नूं तां मैं देखिया ही नहीं सी परमात्मा दा तां पता ही नहीं सी पर जदों मैं संतां महापुरशां दे चरणा विच गया ते संतां महापुरशां दे मैनूं परमात्मा दे नाम नाल जोड़िया ते फिर ही मैनूं परमात्मा दी प्राप्ति होई है। इस करके मैं पहला अपने गुरुआं दे चरणा विच नमस्कार करांगा जिन्हां दी कृपा दे नाल मैनूं परमात्मा दे दर्शन दीदारे होए ने। डेरा श्री 108 संत सरवनदास जी सचखंड बल्लां दे महान महापुरश संगतां नूं परमात्मा दे नाम दे नाल जोड़दे ने। संगतां सतगुरां दे चरणा विच नमस्कार करदियां ने। डेरा संत सरवनदास जी सचखंड बल्लां दे महान महापुरशां ने साडी कौम दे उत्ते वड्डे परोपकार कीते ने। जगत गुरु सतगुर रविदास महाराज जी दे जन्म स्थान की खोज की उससे सत मंजिला आलीशान मंदिर सानू बना के दिता। अज सारियां संगतां उस दरबार के दर्शन दीदारे करन वास्ते जांदियां ने। जदों उस दरबार की नींह पत्थर रखना सी ते संगतां ने महाराज जी नू बेनती की कहिंदे महाराज जी गुरु रविदास जी का स्थान है वह इत्थे लागे बना लो साडे समाज बहुत गरीब है उत्थे कौन जाया करेगा उत्थे जाण दा तां किराया ही बहुत लगना है उस स्थान ते कौन जाया करेगा। महाराज स्वामी सरवनदास जी महाराज अंतरजामी परमात्मा स्वरूप कट कट दे जानण वाले अपनी मौज दे विच आ के कहण लगे कहिंदे एक बारी फिर कहो। जदों संगतां ने एक बारी फिर किया कहिंदे महाराज जी इस स्थान दे उत्ते कौन जाया करेगा साडा समाज गरीब है पैसों की काट है एड्डी दूर कौन जाया करेगा। महाराज स्वामी सरवनदास जी महाराज जी ने उच्चारण किया कहिंदे तुसी जान की गल कर रहे हो उस स्थान के उत्ते गड्डियां भर भर के जाया करनगियां। अज असी देख रहे हैं स्वामी निरंजन दास जी महाराज जिन्हां ने अपने गुरुआं दी एक कहण दे उत्ते 40 साल गजा करके लियांदे रहे उन्हां दे अपने गुरुआं दे बचन पुगाए और आपां देख रहे हैं हर साल स्वामी निरंजन दास जी महाराज गड्डी भर के संगतां नूं नाल लिजा के संगतां दे नाल जा के उस दरबार दे आप भी दर्शन करदे ने ते संगतां नूं भी दर्शन कराउंदे ने। अज असी देख रहे हां सतगुरां दे नां ते हस्पताल बने ने। संत सरवनदास चैरिटेबल होस्पिटल दा जदों नींह पत्थर रखिया स्वामी गरीबदास महाराज जी नूं सवाल कीता संगतां ने कहिंदे महाराज जी हस्पताल बनाने भी औखे ने ते चलाने भी औखे ने। स्वामी गरीबदास जी महाराज कहन लगे कहिंदे तुसी चलाण दी गल कर रहे हो असी जिन्हां दे अपने गुरुआं दे नां ते इस हस्पताल दा नां रख्या है
जिन्हां दे नां ते असीं इस हस्पताल का नाँ रखिया उन्हां नूं आप ही फिक्र है वह आप ही चलाणगे। अज भी असीं जदों महाराज जी नूं बैठे होइए तो महाराज जी नूं महाराज जी नाल गल्लां बातां करदे हां तो महाराज जी नूं कहिंदे महाराज जी आप जी की कृपा दे नाल इन्ना कुछ चल रहा है संगत आप जी के दर्शनों आँदी है तो महाराज स्वामी निरंजन दास जी महाराज यही वचन करते हैं कहिंदे बड़िआं दीआं बड़िआइआं कहिंदे स्वामी सरवण दास जी महाराज जी ने इन्नी कु भगती कीती होई है रहिंदी दुनिया तक उन्होंने लोग याद करनगे। डेरे लागे संत सरवण दास चैरिटेबल आई होस्पिटल बनिया है फगवाड़े विखे संत सरवण दास मॉडल स्कूल है और अज जो 15 अगस्त है बहुत ही सुभागा दिन है बेगमपुरा शहर पत्रिका जो अखबार डेरे दे महान महापुरश ब्रह्मलीन सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी ने आरंभ कीती थी जिसका नींह पत्थर 23 जनवरी 1991 मोहल्ला सुंदर नगर विखे जलंधर विखे रखिया और जिसका पहला अंक अज दे दिन 15 अगस्त 1991 सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी ने अपने कर कमलों नाल रिलीज़ किया सीगा। अज 31 साल हो गए ने बेगमपुरा शहर पत्रिका नूं घर घर दे विच जा रहे है लोग संगतां उसका लाहा लेंदिया 3 भाषावें ये पत्रिका है हफ्तावारी अज 15 अगस्त वाले दिन उसका पहला अंक रिलीज़ किया गया सीगा महाराज स्वामी गरीबदास महाराज जी ने जिसके मुख्य संपादक उस टाइम सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी सन। सतगुरु स्वामी गरीबदास महाराज जी तो बाद अमर श्री संत रामानंद जी महाराज मुख्य संपादक सन और 10 दिसंबर 2004 नूं भारतीय दलित साहित्य अकैडमी वालों अमर श्री संत रामानंद महाराज जी नैशनल अवार्ड के नाल सम्मानित किया गया सीगा। सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी दीआं सेवावां नूं देखदे होए ये अवार्ड सतगुरु स्वामी रामानंद महाराज जी नूं ताल कटोरा स्टेडियम दिल्ली दे विच महाराज जी नूं सम्मानित किया गया सीगा। ऐसे महान महापुरशां दे चरणां विच असीं नमस्कार कर रहे हाँ जिन्हां महान महापुरशां ने साडे ते ऐसी कृपा कीती है। एक बार जदों डॉक्टर बाबा साहब जी फलौर विखे आए संत बाबा रूड़ा राम जी डेरा उत्थे पहुँचे तो महाराज स्वामी सरवण दास महाराज जी भी उत्थे गए सी ते उस वेले डॉक्टर बाबा साहब भीम राव अंबेदकर जी ने महाराज जी नूं कहा कि कहिंदे महाराज जी मेरे पास कलम की ताकत है तुसी जो कहोगे मैं वो लिख दवांगा वो मन्या जाएगा। सरकार दे विच उस वेले सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी ने वचन किए कहिंदे जेकर इदां दी गल है तो जो अज साडे समाज के सिरां दे उत्तों टोकरी अच्छा जे जेकर तू लहा सकदा है तो लहा दे। किन्ना दर्द सीगा अपने समाज के प्रति सतगुरु स्वामी सरवण दास महाराज जी के मन में महाराज जी ने हुण महाराज स्वामी निरंजन दास महाराज जी के नाल प्रोग्रामा ते जाण दा मौका मिलता है। एक बार किते प्रोग्राम ते गए ते बाहर जा रहे किसी पिंड दे विच जा रहे ते बाहर धुप बहुत सीगी ते मझां बाहर बन्नियां होईयां सी सड़क दे लागे खेत सीगा उत्थे बन्नियां होईयां सी ते महाराज स्वामी निरंजन दास महाराज जी कहण लगे कहिंदे महाराज संत लेखराज जी भी बैठे सी कहिंदे महाराज संत लेखराज जी कहिंदे देखो कहिंदे इन्नी गर्मी है और पशु कहिंदे बाहर बन्ने होए किद्दां गुजारा कर रहे हो किन्ना मन निर्मल है संतां महापुरशां दा मन निर्मल संतां दा रखदे सुरत शब्द नाल जोड़ी
संतां महापुरशां दा मन इतना कु निर्मल हुंदा है, जेकर कोई खोटी मत वाला भी संतां पास आ जांदा है, संत महापुरश हस के उसनू गल दे नाल लाउंदे ने। एक बार दी गल है, इत्थे एक किसी ने कुछ इत्थों चोरी कर ली, तो सेवादारा ने उसनू फड़ लिया। महाराज जी कमरे विचों बाहर आ गए, महाराज स्वामी निरंजन दास जी महाराज, तो जदों पुछया कि की गल हुई, कहिंदे महाराज जी इसने कुछ चोरी किया है। तो महाराज स्वामी निरंजन दास महाराज जी कहिंदे, कहिंदे इहनू कुटना नहीं, इहनू कुछ कहना नहीं, इहनू लंगर पानी छकाओ तो किराया दे के इहनू घर भेज दिओ। सेवादार सोचण लग पए, कहिंदे महाराज जी इहने तां पहलों ही चोरी कीती आ। महाराज कहिंदे कोई गल नहीं, कहिंदे इह करम है आपो अपने। कहिंदे महाराज जी कहिंदे इहनू लंगर छकाओ, इहनू किराया दिओ, इहनू घर भेज दिओ। किन्ना मन निर्मल है संतां महापुरशां दा। कि जेकर कोई साध भी आ जाए, कोई चोर भी आ जाए, संत महापुरश उसनू भी गल लाउंदे ने। सो आओ गुरु प्यारी साध संगत जी, ऐसे महान महापुरशां दे दर्शन दीदारे असीं कर रहे हाँ। ऐसे महान महापुरशां ने साडे उत्ते बहुत ही परे उपकार कीते ने। सुआओ गुरु प्यारी साध संगत जी, अमर श्री संत रामानंद जी महाराज गाया करते सन, द्वार दसवें दा खोलदे ने ताला है कुंजी हथ साधुआं। साधु रब साधुआं दे नाम दी फेरे माला, कहिंदे जिहड़े परमात्मा है वह भी साधुआं दे नाम दी माला जपदे ने। सुआओ गुरु प्यारी साध सिंह, सारिया संगतां ने दासे नाल मिलके बोलन की कृपालता करनी। द्वार दसवें दा खोल देने ताला, द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे। द्वार दसवें दा खोल देने ताला, द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हथ साधुआं दे, साधुआं दे। द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हथ साधुआं दे, कुंजी हथ साधुआं दे। रब साधुआं दे नां दी फेरे माला, रब साधुआं दे नां दी फेरे माला है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे। द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हथ साधुआं दे, है कुंजी हथ साधुआं दे। द्वार जिथे साधु बैठ जांदे मार के समाधियां, 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 उथों नस जांदियां ने
सारियां उपाधियां उतो नस जांदियां ने सारियां उपाधियां उतो नस जांदियां ने सारियां उपाधियां उतो नस जांदियां ने सारियां उपाधियां हुंदा जग नालो वखरा ही चाला जग नालो वखरा ही चाला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं दे द्वार जदों राम नाम दा पिलोंदे ने अमृत जदों राम नाम दा पिलोंदे ने अमृत जदों राम नाम दा पिलोंदे ने अमृत जदों राम नाम दा पिलोंदे ने रब नू मिलोंदे देर मासा भी ना लोंदे ने रब नू मिलोंदे देर मासा भी ना लोंदे ने रब नू मिलोंदे देर मासा भी ना लोंदे ने रब नू मिलोंदे देर मासा भी ना लोंदे ने जदों कोल के पिलोंदे ने प्याला जदों कोल के पिलोंदे ने प्याला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं दे रब अते साधुआं च भेद जापे कोई ना 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 साधुआं दे निंदका नू मिले किते टोई 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 ना मूंह हुंदा सदा निंदकां दा काला हुंदा सदा निंदकां दा काला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हाथ साधुआं दे है कुंजी हाथ साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हाथ साधुआं दे Thank you.
रब साधुआं दा साधू रब दे दीवाने ने 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 साधुआं दे परे राम नाम देख जाने 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 ने हुंदा पेख भगवान निराला हुंदा पेख भगवान निराला है कुंजी हक साधुआं दे है कुंजी हक साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हक साधुआं दे है कुंजी हक साधुआं दे रब साधुआं दे ना दी फेरे माला रब साधुआं दे ना दी फेरे माला है कुंजी हथ साधुआं दे है कुंजी हथ साधुआं दे द्वार साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हथ साधुआं दे है कुंजी हथ साधुआं दे द्वार दसवें दा खोल देने ताला है कुंजी हथ